हेलो स्टूडेंट्स, एलकेजी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूज़ ऑफ दीज दोज के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस दैट का यूज़ कि वो एज एक वचन संज्ञा में लगते हैं, और दिस पास के लिए लगाया जाता है, दैट दूर के लिए लगाया जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो है आपका जो दीज होता है उसे कहते हैं ये, और दोज मिस होता है वे। ये भी प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगता है, दीज भी और दोज भी। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये हमारे पास है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है, इसलिए हम इसके में दीज लगाएंगे। नेक्स्ट है दोज आर गर्ल्स। देखिए हमारे से दूर है और प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्या लगाएंगे? दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। नेक्स्ट आ जाइए, चेयर है बट प्लूरल है और पास है, तो क्या लगेगा? दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। नेक्स्ट आइए, दोज आर टेबल्स, वे मेजे हैं। दीज आर डंकीज, ये गधे हैं। दोज आर मंकीज, वे बंदर हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हो और दूसरा जो हमारे पास हो उसके लिए हम दीज लगाएंगे, और जो हमसे दूर है उसके लिए हम दोज लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप पिक्चर्स देखिए और फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। दीज आर क्या है ये बच्चों? गर्ल्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जी आई आर एल एस, गर्ल्स। नेक्स्ट आ जाइए, दोज आर क्या है ये? एनिमल्स, ए एन आई एम ए एल एस, एनिमल्स। आप यहाँ काउज भी लिख सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स काउज हैं। दीज आर फ्लावर्स, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स, वे ये फूल हैं। दोज आर फ्रूट्स, वे फल हैं। देखिए फल फ्रूट्स हैं और पास में हैं, दूर हैं, तो वे फल हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये फिल करनी है पिक्चर नेम। देखिए यहाँ पे गर्ल्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये आपको कंप्लीट करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको दिस दोज का पढ़ाया था, दिस दोज का पढ़ाया है, और उससे पहले मैंने आपको दिस दैट का पढ़ाया था। दिस मीन्स यह होता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, दैट मीन्स वह होता है, और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। दिस मीन्स यह है और पास की चीज़ों के लिए लगता है और एक वचन के लिए लगता है, और दैट वह और दूर की चीज़ के लिए लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान में रख के अपनी बुक फुल कीजिए और इसको लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।